नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जब मैं तैयारी कर रहा था तो अक्सर मुझे ऐसा महसूस होता था कि कोई एक ऐसी किताब हो जिसे मैं फास्टली रिवाइज कर सकूं। फास्टली रिवाइज का मतलब ऐसा नहीं कि 500 पेज की किताब हो, 400 पेज की किताब हो, एक छोटी किताब हो। और दूसरा चीज़ ये था कि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसका पैटर्न क्या है, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आता है कि नहीं आता। और हम लोग शुरुआती दौर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेफर तो करते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। तो जो भी मेरा नोट्स था और जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस थे उसको मैंने नोट किया था। और ये किताब जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, प्रिलिम्स बूस्टर नाम से, वो किताब उसी चीज़ का कंपाइलेशन है। और इस किताब को मैं पूरा थॉरली आपको बताता हूँ और फिर बात करूँगा क्यों ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किताब 60-65 पेज की किताब है, बहुत छोटी किताब है। आप आसानी से इसको 10 बार रिवाइज कर सकते हैं प्रिलिम्स में जाने से पहले। और अब मैं इसको थोड़ा विशेषता बताता हूँ कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि स्क्रीन पर दिख रही होगी किताब ये वाली। देखिए, ये इसका है आपको इंडेक्स। ये हिंदी में किताब है, सॉरी इंग्लिश मीडियम के लिए, क्योंकि और इसमें 23 पेज में आपको पूरा हिस्ट्री है, ठीक है। फिर बिहार स्पेशल को लगभग 3 पेज में डाला गया है। फिर सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान में मैं अक्सर ये कहता हूँ कि सामान्य विज्ञान में आपको PhD नहीं करना है, आपको क्या इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पूरा सामान्य विज्ञान में अप्लाइड पूछा जाता है। अप्लाइड मतलब क्या यूजेज है, मैं दिखाऊंगा चैप्टर वाइज उसको। फिर पॉलिटी है, फिर ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है। अब मैं इसको डिटेल्स में एक बार दिखाता हूँ आपको, उम्मीद कर रहा हूँ कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब हिस्ट्री का जैसे देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है तो कौन कौन विभिन्न देशों के खोज करता है, जो यूरोपियन कंपनी का आगमन था, उसमें जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये बता दिया गया। फिर व्यापारी हेतु मार्ग से, और देखिए हर के नीचे लिखा हुआ एग्जाम में कब पूछा गया था, 45वीं BPSC में, 65वीं BPSC में, 40वीं BPSC में, और जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो सभी इसमें लिस्ट किया हुआ है। आपको स्क्रीन पे ये क्लियर दिख रहा होगा। और देखिए यहाँ पे रंजीत सिंह द्वारा सुप्रसिद्ध कोहनी हीरा शाहसुजा से प्राप्त किया गया, 41वीं BPSC में पूछा गया। तो ये एक बहुत ही हल्की किताब है, आप इजिली इसको जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं उतनी बार रिवाइज कीजिए, और इससे पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे देखिए मैं साइंस की बात करता हूँ, सबसे पहले बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल को लेके भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं परेशान रहते हैं कि बिहार स्पेशल में क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 66 BPSC री एग्ज़ाम, 64, 66, 42, 60 से 62, तो जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए सबका ये एक कंपाइलेशन है। और इससे आपका ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो भी क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया जाता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ में रेफरेंस के तौर पर रखा जाता है, तो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट भी होते हैं। तो आप अगर इसको एक बार देख लेते हैं इस किताब को थॉरली। अब जब मैं साइंस की बात कर रहा था तो साइंस में देखिए गॉड पार्टिकल्स किसे कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन में से न्यूट्रन होता है नहीं होता है, वो जो अप्लाइड क्वेश्चंस हैं वही सबसे ज़्यादा पूछा जाते हैं। और जो रिसेंटली वाला एग्जाम है, जैसे कि इसमें देखिएगा कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है, ये 67वीं BPSC में पूछा गया है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 500-700 करके, उसको इसमें कंपाइल किया गया है टॉपिक वाइज। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप नोट्स पढ़ रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको वो आपका रिवाइज हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि क्या क्या आपको और पढ़ना है। वैसे ही ये विश्व का भूगोल है, आगे बढ़ते हैं अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था में से भी जो इंपॉर्टेंट जो फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं वो सब इसमें कवर करने की कोशिश किया गया है कि आपका एक बार इसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपको दो तीन चीज़ क्लियर हो जाएगा। पहला क्या क्लियर होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट क्लियर होगा कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबका कंपाइलेशन अप्लाइड तरीके से किया गया। एक तो प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन करते हैं कि 65वीं एग्जाम में क्या क्या पूछा गया, उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सबका क्वेश्चन रहता है, तो आप ट्रेंड को एनालिसिस नहीं कर पाते कि ट्रेंड क्या है, इसमें क्या है, टॉपिक वाइज में उस क्वेश्चन को बताया गया कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इससे आपका सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि एग्जाम का ट्रेंड क्या है। और मोस्टली 30-40% क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, तो अगर इस बुक को आप दो तीन बार पढ़ जाते हैं तो आपका वो 30-40% क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। दूसरा चीज कि आपको पता चल जाएगा कि बीपीएससी किस किस एरिया को टारगेट करता है क्वेश्चन पूछने के लिए, वो तब होगा जब आपको एक साथ जब आप टॉपिक को पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाइज। तो इसलिए जानबूझकर इस किताब को बहुत छोटा और बहुत हल्का बनाया गया है कि आप चाहेंगे तो 2-3 घंटे में रिवाइज कर लीजिएगा,
पढ़ने का तरीका मैं बताता हूँ कैसे पढ़िएगा इस चीज़ को। हाईलाइटर लीजिएगा और हाईलाइटर से हाईलाइट करके पढ़िएगा। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप सेकेंड टाइम पढ़िएगा आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या आपको नहीं आता था वो एरिया है, और जो एरिया आपका इसमें से क्लियर नहीं हो पा रहा है आप उसको जरूर जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें एक बार देखिएगा, ठीक है। ये तो प्रीलिम्स बूस्टर की बात हो गई। वैसी करंट अफेयर की किताब भी देखिए, मैं जब अपने तैयारी में था तो मुझे लगता था कि ये चीज़ जरूर होना चाहिए, इन चीज़ के बारे में वैसी किताब होनी चाहिए, तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन टॉपिक पे किताब लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे करंट अफेयर्स में अप्लाइड करंट अफेयर्स नहीं था, वन लाइनर टाइप से लिखा रहता था, लेकिन करंट अफेयर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों न्यूज़ में है, और उसके चार पाँच पॉइंट्स हैं, तो वही इसमें भी प्रयास किया गया मैंने कि चार पांच पॉइंट्स में करंट अफेयर को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया है। तो अगर अच्छा लगे तो आप देखिएगा, और मुझे पूरा यकीन है कि आप उसको जरूर अप्रिसिएट करिएगा कि इस तरीके से करंट अफेयर को, कि जितने बच्चों से मैं संपर्क में था और सभी का पॉजिटिव फीडबैक ही है कि सर बहुत अच्छी किताब है, और जो प्रीलिम्स बूस्टर है ये तो मस्ट रिकमेंडेड है, क्योंकि छोटी किताब है, 40-50 रुपए की किताब मार्केट में मिल जाएगी, और ये किताब आपके पास मुझे लगता है होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें आपका 3-4 काम कवर हो जाता है। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर हो जाता है, एक ट्रेंड एनालिसिस हो जाता है, और एक रिवीजन के लिए भी अच्छी किताब है। चलिए, तो मेरा प्रयास था कि जो मुझे लगा कि मेहनत करना चाहिए तो मैंने मेहनत किया है। अब देखता हूँ आपका क्या फीडबैक आता है, फीडबैक जरूर दीजिएगा, किताब अच्छी है, ख़राब है, क्या सुधार करना चाहिए, क्योंकि प्रयास है और प्रयास से निकाला गया है, तो जो भी फीडबैक है आप जरूर शेयर कीजिएगा।